अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। राजा हसन खां मेवाते, वो नाम जिसे सुनकर हर हिंदुस्तानी, खासतौर पर हर मेवाती का सीना फक्र से चौड़ जाता है। वो ऐसे योद्धा थे जो वतन की खातिर शहीद हो गए। राजा हसन खां मेवाती जैसा सपूत, निडर, जाबाज, दलेर सदियों में पैदा होते हैं। उनकी बहादुरी और वतन परस्ती पर पूरे मेवात और हिंदुस्तान को नाज है। राजा हसन खां मेवाती राजा बहादुर नाहर खां के वंशज थे, जिन्होंने मेवात राज्य की स्थापना की थी। कौन थे राजा बहादुर नाहर खां और किस तरह उन्होंने मेवात राज्य की स्थापना की, इसके लिए हमें उस दौर में जाना पड़ेगा जब दिल्ली में तुगलकों की सल्तनत थी। दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक मेवात के जंगलों में शिकार करने के लिए आए। उनके शिकार के इस अभियान में एक क्षत्रिय युवक समरपाल भी थे। शिकार के दौरान सुल्तान पर एक बाघ ने हमला किया। उस वक्त समरपाल ने अपनी शानदार तीरंदाजी से बाघ को मारकर सुल्तान को बचाया। सुल्तान समरपाल की बहादुरी को देखकर बहुत खुश हुए और उन्हें बहादुर नाहर का खिताब दिया और अपने साथ दिल्ली ले गए। दिल्ली में समरपाल ने इस्लाम धर्म अपनाया, जिससे सुल्तान ने खुश होकर कोटला की जागीर अता की। इस तरह समरपाल बने राजा बहादुर नाहर खां। राजा बहादुर नाहर खां ने कोटला के पास काले पहाड़ पर एक शानदार और मजबूत किला बनवाया। इन्हीं बहादुर नाहर खां की छठी पीढ़ी में राजा अलावल के घर राजा हसन खां मेवाती का जन्म हुआ। राजा हसन खां मेवाती का राज्य अलवर से लेकर दिल्ली के सरायलाट तक था। पूरे राज्य में सुख, शांति और खुशहाली थी। अलवर की सरजमी पर राजा हसन खां मेवाती ने एक किला बनवाया था, जो आज भी पूरे आबोताब और खूबसूरती के साथ मेवात की अजमत सुजात हुकूमत का बोलता सबूत है। सन 1526 में बाबर ने भारत पर आक्रमण किया और 1526 की पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोधी को हराकर दिल्ली और आगरा कब्जा लिया। आगरा को अपनी राजधानी बनाकर बाबर ने खुद को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। बाबर के इस फैसले का मेवाड़ के राजा राणा सांगा ने विरोध किया और युद्ध की घोषणा कर दी। राजा हसन खां मेवाती की वीरता और दिलेरी पूरे हिंदुस्तान में मशहूर थी। जब बाबर को राजा हसन खां मेवाती की बहादुरी का इल्म हुआ, तब बाबर ने एक पैगाम भेजा और उस पैगाम में मजहब की दुहाई देते हुए लिखा कि हम दोनों कलमे की बुनियाद पर भाई हैं। लिहाजा हसन खां मेवाती को चाहिए कि वो मजहबी भाई का साथ दे। राजा हसन खां मेवाती ने बाबर के पैगाम को ठुकराया और देशभक्ति को चुना और उनके पैगाम का जवाब दिया, जिसमें लिखा, बेशक हम कलमे की बुनियाद पे भाई हैं, लेकिन मेरे लिए पहले मेरा वतन आता है और यही मेरा ईमान है। इसलिए मैं मजहबी भाई का साथ न देकर, धर्म भाई का साथ न देकर वतन भाई का साथ दूंगा और अब हमारी मुलाकात युद्ध के मैदान में होगी। इतिहास गवाह है, राजा हसन खां मेवाती ने कभी भी किसी विदेशी आक्रमणकारी के साथ समझौता नहीं किया और हमेशा वतन की खातिर हिंदू राजाओं का साथ दिया। 1527 में राजा राणा सांगा के साथ हसन खां मेवाती ने खानवा के मैदान में बाबर के साथ जमकर युद्ध किया। हालांकि बाबर के पास तोबे थी और पहली बार भारत में किसी युद्ध में तोबों का इस्तेमाल हो रहा था, फिर भी भारतीय सैनिक पूरे उत्साह से लड़े। अचानक युद्ध के दौरान एक तीर राजा राणा सांगा के सिर पर लगा और वो बेहोश होकर गिर पड़े। तुरंत उन्हें युद्ध से बाहर निकाला गया। अपने सेनापति को ना देखकर सेना के पैर उखड़ने लगे और सिपाहियों ने युद्ध के मैदान से भागना शुरू कर दिया।
कुछ भारतीय सरदार चलते युद्ध में बाबर के साथ जा मिले और कुछ सेनापति युद्ध का मैदान छोड़कर भाग गए। ऐसे वक्त पर राजा हसन खां मेवाती आगे बढ़े और भारतीय झंडे को थामकर बाबर की सेना को ललकारा और जोरदार युद्ध शुरू कर दिया। हसन खां मेवाती के 12,000 घुड़सवार सिपाही भी बाबर की सेना पर टूट पड़े और उन पर भारी पड़ने लगे। अचानक तोप का गोला हसन खां मेवाती के सीने पर आ लगा और लड़ते लड़ते हसन खां मेवाती वीरगति को प्राप्त हो गए, शहीद हो गए। इस तरह मेवात के आखिरी शासक का अंत हो गया। राजा हसन खां मेवाती के पूर्वज जिन्होंने मेवात पर राज किया। मेवात राज्य के पहले राजा थे राजा बहादुर नाहर खां। ये मेवात राज्य के संस्थापक थे। इन्होंने मेवात राज्य पर 1372 से लेकर 1402 तक राज किया। ये राजपूत खानदान से ताल्लुक रखते थे और फिरोज शाह तुगलक के दौर में इस्लाम कबूल किया। इन्हें तीरंदाजी में महारत हासिल थी। दूसरे राजा थे राजा बहादुर खां। इन्होंने मेवात पर 1402 से लेकर 1412 तक राज किया। इनका राज्याभिषेक 1402 में अलवर में हुआ था और इन्होंने अलवर को अपनी राजधानी बनाई। 1406 में इन्होंने बहादुरपुर की स्थापना की। 1412 में इन्होंने मेवात की गद्दी अपने बेटा राजा अकलीम खान को सौंप दी थी और खुद मृत्यु तक धार्मिक कार्यों के लिए समर्पित हो गए थे। तीसरे राजा थे राजा अकलीम खां। इन्होंने मेवात राज्य पर 1412 से लेकर 1417 तक राज किया। चौथे राजा थे राजा फिरोज खान। इन्होंने मेवात राज्य पर 1417 से लेकर 1422 तक राज किया। इन्होंने प्रशासनिक कार्यों की शुरुआत करी और सबसे लोकप्रिय शासक साबित हुए। इन्होंने 1419 में फिरोजपुर झिरका की स्थापना की। 1420 में दिल्ली के सुल्तान खिजर खान ने मेवात पर राज किया। फिर मेवाती सेना ने एक साल तक बहादुर नाहर कोटला में खुद को मजबूत किया, जिससे दिल्ली सेना को पीछे हटना पड़ा। पांचवी राजा थे राजा जलाल खान। इन्हें राजा जालू खान भी कहा करते थे। इन्होंने मेवात राज्य पर 1422 से लेकर 1443 तक राज किया। 1427 में दिल्ली के सुल्तान मुबारक शाह के सैयद वंश ने मेवात पर राज किया। मेवाती सेना ने खुद को तिजारा की पहाड़ियों में एक साल तक मजबूत किया, जिसके बाद दिल्ली सेना पीछे हट गई। छठे राजा थे राजा अहमद खान। इन्होंने मेवात राज्य पर 1443 से लेकर 1468 तक राज किया। सातवें राजा थे जकरिया खान। इन्होंने मेवात राज्य पर 1468 से लेकर 1485 तक राज किया। आठवें राजा थे अलावल खान। इन्होंने मेवात राज्य पर 1485 से लेकर 1509 तक राज किया। और मेवात के आखिरी शासक थे हसन खां मेवाती। इन्होंने 1504 से लेकर 1527 तक मेवात पर राज किया। मेव कौम की बहादुरी और वतन परस्ती पर ये कहावत भी बहुत मशहूर है, जुबां देते हैं जिसको भी निभा देते हैं मेवाती, जुबां देते हैं जिसको भी निभा देते हैं मेवाती, जो कहते हैं वही करके दिखा देते हैं मेवाती। ये साबित हो चुका है वतन पर जान लड़ा देते हैं मेवाती, बड़ों के हुक्म पर गर्दन कटा देते हैं मेवाती। आपकी शहादत को हिंदुस्तान हमेशा याद रखेगा। जय हिंद, जय मेवात।